हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्री सेक्टर से सांगड़ शुगर मिल्स लिमिटेड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स का एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, सांगड़ शुगर मिल्स लिमिटेड 1986 में एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और कंपनी प्रिंसिपली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ शुगर, और इसके अलावा ये इसके बाय प्रोडक्ट्स को भी सेल करती है सच एज बगास एंड मोलासेस। इसके अलावा कंपनी ने बगास फायर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट भी इंस्टॉल किया है टू सेल सरप्लस इलेक्ट्रिक पावर। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की तरफ नज़र डालें तो 22 साल के अर्से में कंपनी का शेयर प्राइस लो 2.20 रुपीज़ और शेयर प्राइस हाई 54.85 रुपीज़ पर शेयर रहा है। एवरेज शेयर प्राइस इस अर्से में 58.50 रुपीज़ पर शेयर है। एवरेज शेयर प्राइस पर 100 शेयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,850 रुपीस कॉस्ट करती है। टोटल कैश डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इस अरसे में 610 रुपीस दिया है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 ही है। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस 12.05 रुपीस पर शेयर पर करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,205 रुपीस है, जो कि इस अरसे में ओवरऑल 36.30% का लॉस है और ईयर ऑन ईयर 1.65% का नेगेटिव रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। इसी तरह अगर मीडियम टर्म परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो 10 साल के अरसे में कंपनी का शेयर प्राइस लो 11.05 रुपीज़ और शेयर प्राइस हाई 54.85 रुपीज़ पर शेयर रहा है। एवरेज शेयर प्राइस इस अरसे में 32.90 रुपीज़ पर शेयर है। इस एवरेज शेयर प्राइस पर 100 शेयर्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,290 रुपीज़ कॉस्ट करती है। टोटल कैश डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इस अरसे में 260 रुपीज़ पे किया है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 ही है। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस 12.05 रुपीज पर शेयर पर करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,205 रुपीज है, जो कि ओवरऑल इस अरसे में 55.40% का लॉस है और ईयर ऑन ईयर 5.5% का नेगेटिव रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक विद योर इन्वेस्टमेंट्स।